नामांकन की तारीखें भी नजदीक आ रही हैं, क्या समझ में आ रहा है, किधर को हवा चल रही है? हमारा कोई अभी मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा है। 6 लाख वोट हमें मिलने की संभावना है। चौहान मतदाता जो हैं और दलित मतदाता जो हैं, उसमें एक टूट भी दिखाई दी है, वो लोग भाजपा की ओर भी गए हैं। चौबीस का चौधरी कौन, लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आप मेरे साथ जिसे देख पा रहे हैं वो बालकृष्ण चौहान हैं। बालकृष्ण चौहान जी बहुजन समाज पार्टी से घोसी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या लग रहा है, किसको बढ़त दिख रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है, और बताएं, समय जो है तेजी से गुजर रहा है, नामांकन की तारीखें भी नज़दीक आ रही हैं, क्या समझ में आ रहा है, किधर को हवा चल रही है? 70 लोकसभा क्षेत्र घोसी में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार मैं बालकृष्ण चौहान। मैं इस कंपेन में सबसे आगे चल रहा हूं और सभी लोग दूसरे नंबर के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। क्या लग रहा है दूसरे नंबर के लिए जो संघर्ष चल रहा है आपके हिसाब से, उसमें किससे मुकाबला आपका दिख रहा है? एनडीए के अरविंद राजभर से या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से जो राजीव राम हैं उनसे मुकाबला हो सकता है आपका? हमारा कोई अभी मुकाबले में कोई नज़र नहीं आ रहा है। दोनों मतलब बराबरी में है अपने में। हमसे जो दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों सेम ही मान लीजिए। दोनों सेकेंड कौन आएगा वो अभी तय नहीं है, लेकिन दोनों ही लड़ रहे हैं। ये बात अगर वोट संख्या के हिसाब से कहें तो क्या कहेंगे कि कितने हजार या कितने लाख वोट से आप आगे चल रहे हैं? 20,66,000 कुछ सौ वोट हैं लोकसभा क्षेत्र घोसी, जिसमें 5 विधानसभाएं हैं, उसमें एक विधानसभा रसड़ा है, बलिया की है। तो इसमें से 60% वोट पोल होने की संभावना है गर्मी को देखते हुए। 12 लाख वोट पोल हो सकता है, जिसमें से 6 लाख वोट हमें मिलने की संभावना है। ठीक है, तो 6 लाख का आपका अनुमान है, आंकड़ा है, और इस हिसाब से जीत का बहुमत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं आप टच कर जाएंगे। मगर जाति समीकरणों के आधार पर अगर देखा जाए तो आप बालकृष्ण चौहान हैं और बसपा से आपको टिकट है, तो ऐसी चर्चा है कि कहीं ना कहीं चौहान मतदाता जो हैं और दलित मतदाता जो हैं, उसमें एक टूट भी दिखाई दी है, वो लोग भाजपा की ओर भी गए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दिक्कत हो सकती है? देखिए, मतदाता जो है पॉलिटिकल वो नेता नहीं है कि वो बंधा हुआ है। मतदाता जो है अपने आत्मा की पुकार से, अपनी आत्मा की आवाज़ से मतदान करता है कि हमारे लिए प्रत्याशी कौन सूटेबल है, कौन ठीक है, कौन निकट का है, कौन दूर का है, उसको तय करना होता है। कौन सुविधाजनक रूप से मिल सकता है, हम उससे अपनी बात कह सकते हैं, तो उसमें सुविधाजनक रूप से हमसे सारे मतदाता मिल सकते हैं जी। तो आपको लग रहा है कि वोटों में कोई टूट नहीं नज़र आएगी? नहीं, वोटों में कोई टूट जो बात खड़ी होती है तो विरोधी दल के नेता जो है इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं कि वोटों में टूट हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताएं कि चुनाव प्रचार काफ़ी समय से आप भी लगे हुए हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आपकी ओर से जोर शोर से उठाए जा रहे हैं घोसी मतदाताओं के? देखिए, मुद्दे जो हैं जनता जो है सरकार बनाती है, सरकार बनाने का चुनने का अवसर आया हुआ है तो मूल्यांकन और आकलन करेगी कि पिछले जो वर्तमान सरकार है वो अपने वादों में कितने सफल हुई, अपनी कही हुई बातों को उसने जनता के लिए जो किए थे कहे थे कितने सफल हुई, तो वो देख आकलन कर रही है कि जो सरकार है वर्तमान वह किए गए किसी भी वादे पर वो सफल नहीं हुई, इसलिए नतीजतन वह अपने किसी मुद्दे की बात पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वो सांप्रदायिक मुद्दे को आधार बना करके इस तरह के वैमनस्य और फैला करके भेदभाव करके ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, जो सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता जो है वास्तविक जो बुनियादी मुद्दे हैं जीवन के उसको देख करके
मतदान करने वाली है, जो महंगाई का मुद्दा है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती, बेरोजगारी का मुद्दा उसको कभी संज्ञान नहीं लेती है, नौकरी जो है ख़त्म हो रही है, नौकरी देने के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं, बेरोजगार लड़के जो है तमाम आत्महत्याएँ कर रहे हैं, अपने माता पिता पर बोझ बने हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ समझ के कुंठित होते जा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर यह सरकार फेल है। और फेल होने के साथ कभी उस पर विचार भी नहीं करती है, कभी बात भी नहीं करती है, इधर इधर उधर की बातें वो केवल करती है, सांप्रदायिक बातें करती हैं और धार्मिक बातें करके लोगों को बरगलाती है, जबकि धार्मिक मुद्दों और सांप्रदायिक मुद्दों से जीवन की समस्याओं का कोई निदान होने वाला नहीं है। जनता जो है अपनी गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में देती है, तो वो चाहती है कि उस टैक्स का इस्तेमाल हमारे जीवन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाए, लेकिन यह सरकार जो है टैक्स को इकट्ठा करके अपने पूंजीपति साथियों का पेट और तिजोरी भर रही है, बैंकों से लेकर तमाम लोग लेकर उसके भाग गए, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही है। नोटबंदी करके इसने सारे देश की आर्थिक कमर तोड़ दिया, कोरोना काल में सारे लोग मारे गए पैदल चल कर, पूरे दुनिया के किसी भी देश में ये घटना नहीं देखा गया हो कि इस तरह से लोग पैदल चलते हों। बेरोजगारी वाली बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आकाश आनंद जो हैं मायावती बसपा सुप्रीमो के भतीजे हैं और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी हाल ही में एक बयान दिया था बेरोजगारी वाले मसले पर जिसकी खूब चर्चा हुई। उन्होंने सीतापुर में अपने भाषण के दौरान यहाँ तक कह दिया कि अगर भाजपा वाले आपसे वोट मांगने आए तो उनको जूते चप्पल से मार के भगा दो। क्या लग रहा है, ये गलत बयान था, इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए? देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे, लेकिन जब आदमी गुस्से में होता है, घर में कोई लड़का जब उसके हक तलफी जब होती है, तो अपने ही घर के बर्तन को तोड़ता फोड़ता है, दूसरे घर पर नहीं जाता है। तो हम अगर इस तरह की बुनियादी मुद्दों पर जनता की ओर से हम बोल रहे हैं, कोई व्यक्तिगत हम नहीं ये भाषा बोल रहे हैं, हम जनता की ओर से बोल रहे हैं कि ये काम करना चाहिए। जब गुस्सा होता है, आप किसी बातों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, हमारा धन को जो है टैक्स का इस्तेमाल जो है गलत जगह पर कर रहे हैं, तो हमको गुस्सा आया कि हम ये शब्द कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हमारे नेता हैं आकाश आनंद, और चूँकि वो भी अभी युवा हैं, कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, इसलिए उनको बातों का हम लोग समर्थन करते हैं। आकाश आनंद युवा हैं और कहीं ना कहीं पहली बार ऐसे सार्वजनिक रूप से सक्रिय नज़र आ रहे हैं, आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई है? नहीं, हमसे अभी मुलाकात वही हुई थी आजमगढ़ में, एक लालगंज में जो रैली हुई थी उसमें सारे प्रत्याशी गए थे, उसमें मैं घोसी का प्रत्याशी मैं भी गया था, और उनसे मतलब जय भीम जय भारत हुआ और मोमेंटो हमने दिया और बात भी हुई। उन्होंने लोगों से अपील किया पार्लियामेंट घोषी के लिए कि बालकृष्ण चौहान को जिताएं, और यहाँ बलिया के लोग थे, आजमगढ़ के थे और लालगंज के थे। आकाश आनंद बहुत जोशीला भाषण दे रहे हैं, उनके वीडियो जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं, क्या लगता है राजनीतिक तौर पे कितनी क्षमताएं हैं, कैसा उनका भविष्य देखते हैं? जिस तरह से मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, मजबूती दी, उसको अगर कहें कि एक विरासत के तौर पर उसे वो संभाल लेंगे? जोशीला भाषण स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से मनुष्य में जो ऊर्जा होती है युवावस्था में होती है, तो उस ऊर्जा के आधार पर ही भाषण जोशीला होगा। बाकी जो पार्टी की पॉलिसी है, उसके सिद्धांत हैं भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब के, बाबा साहब के, जो उनके जो विचार हैं उनको वो आगे बढ़ाएंगे। मानवर कांसी राम ने जो आगे राजनीतिक एक दृष्टिकोण विकसित किया बहुजन समाज पार्टी की, उसको जो है बहन मायावती के नेतृत्व में आकाश आनंद आगे जा करके वो विरासत को संभालेंगे और तब तक परिपक्व हो जाएंगे साल दो साल में। अच्छा, अभी परिपक्वता की कुछ कमी है क्या? परिपक्वता की कमी का मतलब नहीं है, कोई सीमा नहीं होती परिपक्वता की। स्टार्टिंग कोई किसी चीज़ की स्टार्टिंग को आप आकलन जो है परिपक्वता नहीं कर सकते। कोई भी पौधा बोया जाता है तो उसे फल तुरंत नहीं कह सकते कि आज बोए तो कल फल ले लें, लेकिन उससे उम्मीद है कि ये हमको अच्छा फल देगा हमारे स्वास्थ्य के लिए और संतोष के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो है हमारा ये कामयाब। अच्छा, मैं कई दिनों से घोसी में घूम रहा हूँ, चुनावी कवरेज चल रही है, जैसे
सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेके जो सवाल उठता है कि ये कहीं एक जगह नहीं टिकते हैं, पार्टियां बदल लेते हैं, उसी तरह की बातें आपको लेकर भी कहीं ना कहीं हो रही हैं। आप कांग्रेस में थे और ठीक चुनाव से पहले बसपा में आए, तो इसका कुछ? मैं मूल रूप से शुरू से ही वाम सेफ से जुड़ा था। पार्टी का गठन माननीय कांशीराम ने 1984 में किया और मैं सर्विस करता था, टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने 1985 में उनका वाम सेफ यूंग था जो सरकारी कर्मचारियों का, उसमें काम शुरू करना शुरू किया। और 10 साल के बाद 1995 में, अभी 12 साल सर्विस बाकी थी, वीआरएस लिया। माननीय कांशीराम ने कहा कि वीआरएस लेकर के फुल टाइम जो है बीएसपी का काम करो, राजनीति में आओ। मैं आकर के राजनीति किया, फिर लोकसभा में 1999 में मैं पहुंचा। उसके बाद कुछ लोगों को मैंने पार्टी में अपने लोगों को ही ज्वाइन कराया था, उनको आगे बढ़ाया था। राज्यसभा मेरे नाम से ही कांशीराम ने दिया था। उस राज्यसभा को मैंने कहा कि मैं संघर्ष करके लोकसभा जाना चाहता हूं, मुझे कल्पनाथ राय को हराना था, मैंने जिद किया था, इसलिए मैंने राज्यसभा अपने ही व्यक्ति को किसी को दे दिलवा दिया। लेकिन राजनीति के जो दुर्गुण हैं, जो स्वाभाविक है, उसका इतिहास भी है राजनीति के दुर्गुण का, उस दुर्गुण से मैं मुक्त था। लेकिन और लोगों ने मेरे साथ इस तरह से किया कि बहन मायावती जी ने मुझे बाहर कर दिया, तो कई बार बाहर किया, फिर मैं गया, फिर बाहर किया गया कुछ लोगों के जरिए। मैं अपने इच्छा से कभी पार्टी नहीं छोड़ा, क्योंकि राजनीति करना है। जब पार्टी से बाहर जाएंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी में राजनीति करना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि कुछ आपके ही लोगों ने कुछ छल सा किया और कुछ मनमुटाव हुआ बसपा आला कमान से, तो इस समय फिर जब गए आप टिकट को लेके, तो क्या बातें हुई सुप्रीमो से? भाई कहीं बात नहीं, सीधे कहा निकाल दिया गया, ना हमसे पूछा गया, ना हम जाके पूछे, निकाल दिया गया। अब बस इतना हमें मालूम था। यही वजह है कि एक लंबा अंतराल नजर आता है। आप 1999 से 2004 तक सांसद रहे, फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य से थोड़ा पीछे हट गए आप। नहीं, राजनीतिक परिदृश्य से मतलब पार्टियों में नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण और जो विचारधारा, जो बहुजन समाज के लोगों के प्रति जो हमारी सोच है, उसको हम शेयर करते रहे, मीटिंगों में जाते रहे, सामाजिक संगठनों की मीटिंगों में जाते रहे। हमारा सक्रिय जीवन जो है राजनीति सामाजिक कार्यों के लिए लगा रहा, उसमें कहीं कमी नहीं थी। फिर से जब आपको बसपा से टिकट मिला है तो क्या लग रहा है, जो सीके गिलवे सारी शिकायतें थी अब दूर हो गई हैं? वो क्लियर है, नॉलेज में डाला गया कि नहीं कुछ इस तरह का हमारे प्रति नहीं था, जो कुछ भी नहीं था वो स्पष्ट हो गया। सीके गिलवे थे ही नहीं, केवल स्पष्ट किया गया कि मतलब इनके साथ कुछ लोगों ने मतलब क्या झूठ बोला, झूठ बोल करके वो डिफेम किया। मैं कुछ और दो तीन बातें बस करना चाह रहा था, आप काफ़ी व्यस्त हैं चुनाव प्रचारों में, तो मेरा सवाल ये था कि कुछ ऐसी चर्चा हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर एकदम साफ साफ बोलें वो अफवाह है या सच्चाई है। कहीं ना कहीं कुछ बातें हो रही हैं कि आपका टिकट बदल सकता है, टिकट कट सकता है, ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये क्लियर होगा जब हम नामांकन कर देंगे, तभी क्लियर होगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि इसका आप काट कर दें या जवाब दे दें। आप काट भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई हो सकता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आजमगढ़ में तो हो गया, हो उनका ट्रांसफर हो गया उधर, उनको भेज दिया गया, सलेमपुर भेज दिया गया, तो कटा नहीं, बदलाव हुआ है, तो वो तो लड़ ही रहे हैं। आप अपने टिकट और सीट को लेके आश्वस्त हैं पूरी तरह? बिल्कुल, 100%। अच्छा, एक और बात थी मैं पूछना चाह रहा था, मैं फिर वही बात कहूँगा कि लोग ऐसी बातें करते हैं कि बसपा में पैसे लेके टिकट मिलता है, ऐसा कुछ है क्या, सच्चाई है या बस बातें? ये सब बातें हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लोगों में हर तरह की चर्चाएं जो लोग करते हैं, तो अपने मन से दूसरे को बदनाम करने के लिए इस तरह के साजिशें विरोधी दल के तो लोग करेंगे ही। अच्छा, यही है जी, ये साजिश है विरोधी दलों की। और कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ मैंने नहीं पूछा हो अपने मतदाताओं के लिए? कुछ मतदाताओं से ही निवेदन है कि हमें, हम आपके जिले के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, आप बराबर हमसे मिलते हैं मऊ में, शहर में, कचहरी में, सड़क पर, दुकानों पर, हम उपलब्ध रहते हैं, आपके हमारे फ़ोन हरदम खुले रहते हैं, आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। समस्याओं को रखने से भी आदमी का कुछ
बोझ हल्का होता है कि हमारी बात सुनी गई, आपकी बात को ऊपर पहुंचा करके उसके निदान का प्रयास किया जाएगा। और जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं सभी बाहरी हैं और उनका कोई जो है इस तरह का कोई कभी आपने टेस्ट नहीं किया, हम यहाँ टेस्ट किए गए हैं 1999, सारे लोग हमें जानते हैं, हम सारे लोगों को जानते हैं। इसलिए निवेदन है कि हमें चुनाव निशान हाथी की बटन दबा करके भारी मतों से पुनः हमें पार्लियामेंट में भेजें, बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानवाकांक्षी राम के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारे साथ बालकृष्ण चौहान जी थे, घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार। इनका दावा है कि वो भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं और चुनावी लहर इनके पक्ष में चल रही है। इस बीच हमारी जो चुनावी कवरेज है वो जारी रहेगी। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।